Tummy tuck or abdominoplasty is a very commonly performed body contouring procedure. और हम ये उन patients में करते हैं जिनका पोस्ट प्रेगनेंसी स्किन जो एब्डोमिनल स्किन है वो लूज हो गया है, सैगी हो गया है, प्लस उनका एब्डोमिनल मसल्स भी वीक हो गया है, जिससे हम इस प्रोसीडियर के द्वारा उनकी एब्डोमिनल मसल्स को टाइट करते हैं और एक जो भी एक्स्ट्रा स्किन है उसको निकाल के एक प्रॉपर शेप और कॉन्टूर देते हैं. सो टमी टक के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपका जो रिजल्ट है उस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि कैसे आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और क्या क्या पोस्ट प्रोसीजर प्रिकॉशंस आप लेते हैं. हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हिना कुडियार, डायरेक्टर एंड को फाउंडर ऑफ द एस्काल्पिया क्लिनिक एट GK1 न्यू दिल्ली. सो इस वीडियो में मैं बात करूंगी पोस्ट प्रोसीजर मसाजिंग टेक्निक्स जो हम टमी टक के पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं ताकि उनकी जो रिकवरी है वो स्मूथ रहे और उनके रिजल्ट्स भी एनहांस हो, और किस तरीके से हमें ये मसाजेस करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, ये पूरा एक डिटेल डिस्कशन होगा आज की इस वीडियो में. सो फ्रेंड्स, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो कि मैंने लाइपोसक्शन की मसाज के बारे में बनाई थी उसमें मैंने बहुत डिटेल में ये बताया है कि हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ लिम्फैटिक सिस्टम जो है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो भी एक्सेस फ्लूइड है उसको ड्रेन करने के लिए किस तरह से वो सारे लिम्फैटिक चैनल्स हैं वो लिम्फ नोड्स में ड्रेन होते हैं और क्या क्या उनकी डायरेक्शंस हैं, कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट लिम्फ नोड्स हैं, प्लीज़ आप वो वीडियो देखें ताकि आपको उसके बारे में जानकारी हासिल हो. इस वीडियो में मैं बात करूंगी स्पेसिफिक टमी टक के बारे में कि उसमें हमें कब ये मसाज शुरू करनी चाहिए और किस तरह से ये हमें मैनुअल लिम्फैटिक मसाजेस करनी चाहिए. टमी टक और लाइपोसक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है दैट इज द इंसिजन लाइन. जो टमी टक है उसमें एक बहुत बड़ा उसमें एक स्कार रहता है जो कि हमें लाइपोसक्शन में देखने को नहीं मिलता है, तो उस स्कार की वजह से जो कि हिडन रहता है इन द पैंटी लाइन, उस स्कार की वजह से जो नीचे के लिम्फैटिक्स हैं, जो अगर हम बात करें बिलो द नेवल जो लिम्फैटिक्स हैं वो डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं. तो हमें जो मसाज की डायरेक्शन है वो हमें बहुत ध्यान से देखनी है कि हमें किस डायरेक्शन में मसाज करनी है. जैसे लाइपोसक्शन में हम रेकमेंड करते हैं कि हमें अगर हम बेली बटन से ऊपर का जो एरिया है दैट हैज़ टू बी मसाज्ड अपवर्ड्स और उसके नीचे के एरिया को हमें नीचे मसाज करना है, बट टमी टक में हमें पूरा एरिया को धीरे धीरे यहाँ जहाँ पे हमारा स्कार है उस एरिया को बहुत ही जेंटली मसाज करके हमें ऊपर की डायरेक्शन में सारे लिम्फैटिक्स को ड्रेन करना है. सो अगर हम ये यहाँ से अगर हम शुरू करें तो बहुत ही जेंटल सर्कुलर मोशन में इस एरिया को मसाज करते हुए देन वी हैव टू गो अपवर्ड्स टुवर्ड्स द आर्मपिट. सो दिस इज द डायरेक्शन विच हैज़ टू बी मेंटेन्ड इन अ टमी टक पेशेंट. सिमिलरली दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से डायरेक्शन लेके ऊपर जाके इसको हम ड्रेन करते हैं आर्मपिट के थ्रू. नाउ दिस पार्ट, सो बिफोर आई फॉरगेट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जैसे हमने पहले भी ये डिस्कस किया है कि लिम्फैटिक मसाज शुरू करने से पहले सो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज स्टिमुलेशन ऑफ द लिम्फ नोड्स. सो लिम्फ नोड्स में हम सबसे पहले जो हैं जो ग्रोइन के लिम्फ नोड्स हैं उनको स्टिमुलेट करेंगे विद द रोलिंग मोशन जो हमें 8 to 10 times करना है. सिमिलरली नेक लिम्फ नोड्स को हमें स्टिमुलेट करना है जो कि अलॉन्ग द कॉलर बोन है, उसमें भी हम 8 to 10 times रोलिंग मोशन में उसको स्टिमुलेट करेंगे एंड द आर्मपिट ऑल्सो. सो दीज आर द एरियाज जिनको हमें सबसे पहले जो लिम्फ नोड्स हैं उनको स्टिमुलेट करना है बिफोर स्टार्टिंग एनी मसाज. सो उसके बाद हम मसाज शुरू करेंगे जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है, दिस इज द डायरेक्शन विच हैज टू बी मेंटेन्ड इन अ टमी टक पेशेंट. सो द मसाज, द प्रेशर एंड द टेक्निक, दिस हैज़ टू बी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्रेशर हमें इनिशियली बढ़ाना, धीरे धीरे बढ़ाना है. इनिशियली इट हैज़ टू बी वेरी जेंटल और धीरे धीरे हम उसको थोड़ा सा हार्ड मसाज भी कर सकते हैं टुवर्ड्स द प्रिस्क्राइब्ड लिम्फ नोड्स. अब मैनुअल लिम्फैटिक ड्रेनेज के साथ हम कुछ केसेस में अल्ट्रासाउंड असिस्टेड जो मसाजेस हैं वो भी रिकमेंड करते हैं, बट दैट हैज़ टू बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एक्सपर्ट. सो अब टमी टक में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द स्कार विच इज़ देयर आफ्टर एक्सीजन ऑफ द स्किन. अब इस स्कार की जो मसाज है, जब ये स्कार पूरा हील हो जाता है, ये स्टिच लाइन दैट इज़ अराउंड 2 to 3 weeks,
उसमें हम स्कार की मसाज भी हमें शुरू करनी है अलोंग विद द लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज. जो स्कार की मसाज है दैट इज अलोंग द स्कार, हमें उसको प्रेस करना है जोर से सो दैट इट बिकम्स वाइट. तो हमें पूरे स्कार की जो मसाज है एंड हैज टू बी आउटवर्ड्स, जो स्कार है उसको हमें प्रेस करना है हार्ड एंड आउट, हार्ड एंड आउट. सो दिस इज द वे वी हैव टू डू द स्कार मसाज. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है टमी टक और लाइपोसक्शन में. लाइपोसक्शन में जो डायरेक्शन है दैट इज डिफरेंट, और टमी टक में थोड़ा सा डिफरेंस है बिकॉज ऑफ दिस इंसिजन एंड द स्कार. एंड टमी टक में स्कार मसाज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ द लिम्फैटिक ड्रेनेज मसाजेस एज वेल. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा एंड आपको भी अब ज़्यादा जानकारी हासिल हो गई होगी रिगार्डिंग द डिफरेंट मसाजिंग टेक्निक्स. एंड यू कैन सब्सक्राइब टू आर YouTube चैनल ताकि आप हमारी पुरानी वीडियोस जिसमें कि हमने इन प्रोसीजर्स के बारे में भी डिटेल डिस्कशन किया है एंड डिफरेंट प्रोसीजर्स के बाद जो लिम्फैटिक मसाजेस होती हैं उनमें किस तरीके से हमें मसाज करनी चाहिए, क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, इन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन की है. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन. स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, आप हमें लिख सकते हैं. हम आपके वी वुड बी हैप्पी to help you. Thank you.